पड़ा, ओ नो मोर आ रहा है, ओ ब्रह्माणं वेदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनिर्वाच्या विद्या दितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेयोभवनयः यताश्चाभोद्विश्वं चरमचरमुच्चवचमिदं नमामास्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। ओम हम लोग ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य के ऊपर विचार कर रहे हैं। भामती टीका के आधार पर अध्यास भाष्य में दो अंश है, एक तो आक्षेप भाष्य है, अध्यास के ऊपर जो आक्षेप करने वाला है उनका कथन को कहा जाएगा आक्षेप अध्यास भाष्य। जैसे युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, यहाँ से लेकर के अध्यासो मिथ्यायति भवितुम युक्तम, ये हो गया अध्यास के ऊपर आक्षेप भाष्य है। और उसके बाद जो तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, यहाँ से लेकर आगे ये आक्षेप अध्यास का समाधान भाष्य है, उसको कहेंगे समाधान अध्यास भाष्य सिद्धांत। तो जो आक्षेप करने वाला वो कहता है कि अध्यास नहीं बन सकता है, आत्मा और अनात्मा में धर्मी अध्यास भी नहीं होगा, धर्मा अध्यास भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि दोनों में विलक्षणता है, अत्यंत विलक्षण्य को दिखाने के लिए वहां पर दृष्टांत दिया तम प्रकाशवत, तम और प्रकाश, कोई तम को प्रकाश नहीं कह सकता है, प्रकाश को कोई तम नहीं कह सकता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा को कोई अनात्मा नहीं कहता है, अनात्मा को कोई आत्मा नहीं कह सकता है ना। दोनों में अत्यंत विलक्षणता है, और तीन प्रकार की विलक्षणता होती है, स्वरूपतः और प्रतीतितः और व्यवहारतः,
है ना। तो तीनों की विलक्षणता को दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार ने युष्मद् अस्मद् प्रत्यय और गोचर कहा। युष्मद् अस्मद् शब्द के द्वारा स्वरूपतः विलक्षणता को बताई जाती है ना। अब प्रत्यय शब्द के द्वारा प्रतीतितः आत्मा के प्रतीति स्वयं प्रकाशतया होती है, और शरीर आदि जड़ पदार्थ की प्रतीति पर प्रकाश्यतया होती है ना। दूसरे से प्रकाशित होकर के जड़ पदार्थ का भान होता है, और आत्मा का भान तो स्वतः होता है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। बहुत समझदार है पूर्व पक्षी। और गोचर शब्द के द्वारा व्यवहारतः जड़ पदार्थ का व्यवहार भिन्न होता है, और आत्मा का व्यवहार मैं हूं करके व्यवहार होता है, और ये तो अयम घट अयम पट इस प्रकार व्यवहार होता है। तो इस प्रकार जब विलक्षणता है तो आत्मा और अनात्मा में कहाँ से अध्यास होगा, है ना। तो इसलिए कहा इतर इतर भाव अनुपपत्तौ, दोनों में इतर इतर भाव, मतलब दोनों में एक रूपता नहीं हो सकती। चलो दोनों में एक रूपता जब नहीं होगी, हाँ मतलब धर्मी अध्यास नहीं होगा, धर्म अध्यास तो हो जाएगा। कहीं कहीं धर्मी अध्यास न होने पर भी धर्म का अध्यास होता है। दृष्टांत दिया जपा कुसुम और मणि, है ना। तो दोनों में धर्मी अध्यास नहीं होता है। मणि तो मणि को कोई अलग समझता है, और पुष्प को लाल पुष्प को अलग समझता है। धर्मी अध्यास न होने पर भी पुष्प का जो है रक्त आदि है वो दिखता है, स्फटिक में दिखता है। इस प्रकार जो है आत्मा में शरीर अधिकार, शरीर आदि में और आत्मा का धर्म हो जाए अध्यास, इसको कहेंगे धर्माध्यास। हाँ वो कहता नहीं, वहाँ पर तो हो सकता है। हाँ आपने जो दृष्टांत दिया जपा कुसुम और स्फटिक मणि का, वहाँ तो बन जाएगा भाई, क्योंकि दोनों होते हैं सावयव, और दोनों होते हैं चाक्षुष पदार्थ, चक्षु से दिखाई दे रहे हैं ना जो है, क्योंकि रूप है वहाँ पर, मणि में रूप है और पुष्प में भी रूप है, इसलिए चाक्षुष पदार्थ का तो प्रतिबिंब हो सकता है ना। तो आत्मा का प्रतिबिंब कैसे होगा भी शरीर आदि में, आत्मा में तो कोई रूप ही नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये पूर्व पक्ष कहना है। जैसे टीका में दे दिया, देखो टीका में ये बात आ गई ना। तो अयम अभिसंबंधी, देखो वहाँ पर दोनों में धर्माध्यास नहीं होगा भगवान भाष्यकार ने कहा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ये बात तो कही नहीं भाष्यकार ने, इसलिए भामतिकार को लगा कि भाई इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। इसलिए कहा ना भाष्य, ये शंकर भाष्य कैसा है, प्रसन्नम गंभीरम भाष्य सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए प्रसन्न हो गया सुनने मात्र से अर्थ का, लेकिन जब विचार करोगे तो बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहराई है। विचार के बिना गहराई का पता नहीं लगता है, जैसे समुद्र में डुबकी लगाए बिना पता नहीं लगता है डुबकी लगाएंगे तो पता लगता है कितनी गहराई है। इस प्रकार भाष्य में डूबना पड़ता है विचार के द्वारा, है ना। तो डूबेंगे तो बहुत गहराई है, बहुत अर्थ खुलता है। इसलिए आप लोग सुनते जाओ विचार करते जाओ तो पता लगेगा। इसलिए यहाँ पर भामतीकार लिखते हैं, देखो अयम अभिसंधि बोल दिया ना, हैं तो इसलिए अभिसंधि का मतलब यही हो गया। तात्पर्य अभिसंधि वाले अभिप्राय, रूपवधि द्रव्यम अतिसच्छतया रूपवत्तो द्रव्यांतरस्य तद विवेक है ना, गृहमाणस्य विछायाम गृह, वहाँ पर तो हो जाएगा। अभी रूप वाला जो द्रव्य होता है वो अत्यंत सच्चा होने से, जैसे मणि हो गया अत्यंत सच्चा है, मणि में रूप है, इसलिए दूसरा जो रूप वाला हो गया पुष्प द्रव्यांतर, है ना, वहाँ पर तो विवेक भी हो रहा है, ये पुष्प अलग है मणि अलग है, फिर भी वहाँ पर जो मणि है स्फटिक मणि छाया में गिरनिहत, वहाँ प्रतिमा को ग्रहण कर ले, गिरनिहत का मतलब ग्रहण कर ले, है ना, पुष्प की जो छाया है मतलब प्रतिबिंब उसको तो ग्रहण कर ले मणि, वहां पर तो हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो चाक्षुष पदार्थ है और मणि अत्यंत सच है, और चिदात्मा तो अरूप हो भाई। चिदात्मा तो कोई रूप नहीं ना, चिदात्मा में चेतन में कहाँ रूप है? वो तो शरीर का रूप है, शरीर में रूप है, आत्मा में तो है ही नहीं है। और चिदात्मा तो विषय है, वो तो प्रकाशक है, वो है ना। इसलिए न विषय छाया उद्ग्राहित में रहती, इसलिए विषय का जो प्रतिबिंब ग्रहण क्यों करेगा अभी आत्मा? नहीं कर सकता है, अर्थात प्रतिबिंब नहीं हो सकता ना। यथा हो भावति पढ़ रहे भैया, शब्द गंध रसानाम च किदृशी प्रतिबिंबता। भाई रूप का तो हो सकता है, रूप वाला का तो हो सकता है, शब्दों का कहाँ से प्रतिबिंब पड़ेगा भी? शब्द शब्द जो होता है, शब्द का प्रतिबिंब तो होगा नहीं कहीं, गंध का प्रतिबिंब तो होगा नहीं कहीं, रस का प्रतिबिंब तो होगा ही नहीं कहीं। इसी प्रकार बोल रहा है, तद यह परिशेष्या, परिशेष से क्या हुआ? विचार तो ये हो गया है, विषय विषयण और अन्यत्मा संवेदन, विषय हो गया घटपट आदि शरीर आदि, विषय हो गया भी आत्मा है ना। हाँ, इसलिए दोनों का यदि संभेद मतलब दोनों का यदि मिश्रण हो जाए तब जाकर के तद धर्माणाम अपि, इसलिए शरीर और आत्मा के धर्म का हो जाएगा परस्पर में, परस्पर संवेदना परस्पर मिश्रण होने से विनिमयात्मना भवितव्यम, दोनों में विनिमय हो जाएगा है ना, दोनों में विनियम हो जाता। दोनों धर्मी को यदि एक रूपता यदि हो जाए, दोनों धर्मी को एक यदि मानोगे, तब जा करके आत्मा का धर्म अनात्मा में आएगा और अनात्मा का धर्म आत्मा में आएगा, ये होना चाहिए है ना। लेकिन तो भी हाँ बोलो। क्या? हाँ तो उपलक्षण ले लो और क्या। हाँ वो भी उपलक्षण हो गया ना, इसलिए ज्यादा गिनाएंगे तो ये अनुष्टुप क्षमता नहीं होगा कि नहीं। शब्द गंध और रसानाम च किदृशी प्रतिबिंबता, ये उपलक्षण हो जाएगा ठीक है। चलो पूर्व पक्षी का भैया, अब तो उच्च धर्मेणु अत्यंत विवेक है ना, ये दो धर्म हो गया ना, शरीर हो गया अनात्मा और आत्मा है उससे विलक्षण, दो धर्मी में तो एकदम अत्यंत विवेक हो रहा है, शरीर आदि अलग है आत्मा अलग है, ये बोल रहा है वो ना। गृहमाण हो असंभिन्न हो, इसलिए दोनों में असंभिन्न हो रहा है, एकदम पृथक पृथक, एकदम पृथक पृथक। संभिन्न होता है मिश्रण मिश्रित, और असंभिन्न अमिश्रित, दोनों में मिलावट नहीं हो सकता है। नमक और चीनी में तो हो सकता है भैया। और क्या, नमक में चीनी में तो हो सकता है, दूध और पानी में तो हो सकता है, दूध और पानी में तो हो सकता है, बराबर है ना। लेकिन दूध और दूध और जो है क्या बोलते हैं पत्थर में कैसे मिलावट करोगे? दूध और पत्थर कंकण के साथ कैसे कोई मिलाओगे है ना, पानी के साथ तो हो जाएगा। इस बार आत्मा और अनात्मा में एकदम अलग अलग है, तो मिश्रण नहीं हो सकता है। अत्यंत विवेकेना गृहमाणो असंभिन्नो, आत्मा और अनात्मा जो दो पदार्थ एकदम संभिन्न नहीं असंभिन्न, एकदम पृथक पृथक है ना। इसलिए क्या हुआ, असंभिन्ना सुतराम तयोर्धर्मा, इसलिए दोनों के धर्म में भी मिश्रण नहीं होगा, इसलिए असंभिन्न होगा, एकदम दोनों का धर्म अलग अलग है। आत्मा का धर्म तो भी सत्यत्व चैतन्य आनंद रूपता, वो शरीर में काय को होगा? जड़ पदार्थ में नहीं हो सकता है, ये कहना चाहता है। अच्छा पूर्व पक्षी, इसलिए स्व आश्रयाभ्याम व्यवधान ना दूर अपितत्व है ना। इसलिए क्या होगा, देखो स्व आश्रयाभ्याम, स्व कहने से चैतन्य जड़ता आदि धर्मों को ले लो, स्व से धर्म, अब उसका आश्रय हो गया धर्मी है ना, चैतन्य का आश्रय, पहले चैतन्य तो आत्मा में होगा ना, हाँ कि मैं चेतन हूँ ये बोलता है, चैतन्य तो आत्मा का धर्म है। आ शरीर आदि तो भाई घटपट आदि जड़ है ना,
इसलिए चैतन्य का आश्रय आत्मा है, जड़ता का आश्रय शरीर आदि है ना। इसलिए दोनों में व्यवधान ना दूर पता, इसलिए दोनों में अत्यंत व्यवधान है, मिश्रण हो ही नहीं सकता है ना। एक तो अत्यंत बहुत दूर है, एकदम दोनों एकदम दूर ही है, ठीक है, मतलब कभी भी नहीं हो सकता है। तात्पर्य क्या निकला, दोनों में धर्मी अध्यास भी नहीं होगा और दोनों में धर्माध्यास भी नहीं होगा, हो गया ना। इसी को बता दिया था सुतराम इतरेतर भाव अनुपत्ति, ये सब बता दिया था ना। फिर अवश्य ही दोनों में है ना नहीं हो सकता है अध्यास, ये बता दिया। अच्छा भाष्य में ये सब हो गए थे, इत्यतः थोड़ा भाष्य ले लीजिए, वे थोड़ा सा भाष्य। इत्यतो अस्मात् प्रत्यय गोचरे विषय, अस्मात् प्रत्यय का विषय हो गया कौन, चेतन है ना। वो चेतन है, वो विषय है ना भाई, चेतन तो विषय होता है, वो तो प्रकाशित करेगा ना। आत्मा प्रकाशित करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसका स्वरूप क्या हो गया, चिदात्मा का, वो चेतन स्वरूप हो गया ना। आत्मा विषयी क्यों, चिदात्मकत्वात, ये हो जाएगा ना। आत्मा विषयी है क्यों, चित रूप होने से, ये हो जाएगा। दोनों उल्टा भी कर लो, आत्मा चित रूप है क्यों, विषयी होने से, ऐसा है, दोनों ओर से हो जाएगा। आत्मा विषयी है चित रूप होने से, और आत्मा चित रूप है विषयी होने से, हो गया ना। तो अस्मत् प्रत्यय, मैं के रूप से जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान का जो विषय तो आत्मा है भी, वो तो विषयी है, विषय क्यों है, वो चिदात्मा होने से है ना। उस आत्मा में, चित स्वरूप आत्मा में, इस्मत् प्रत्यय गोचरस्य, भाष्य ले रहा हूं, इस्मत प्रत्यय जो ज्ञान हो रहा है, यह करके जो ज्ञान हो रहा है, इसका विषय तो विषय होता है भी, घटपट आदि होता है, शरीर आदि होता है उसका, मतलब अनात्म धर्म, अनात्म विषय का, तद्धर्माणाम, मतलब अनात्म पदार्थ का जो धर्म है, उस धर्मों का जो अध्यास, उसका जो अध्यास है। और भाष्य में तद विपरीणा, मतलब उल्टा कर लो, तद्विपरीत ना उल्टा, उससे विपरीत, विपरीत कैसे, भावमती में दिया है तद विपरीयण का अर्थ विषय विपरीयण, तत्शब्द ले लो विषय, विषय विषय का भी, ये तात्पर्य है। विषय जो आत्मा है, आत्मा के धर्म का भी अनात्मा में अध्यास नहीं होगा, बोला आत्मा का धर्म अनात्मा में नहीं आएगा। अब उससे उल्टा करने से क्या हुआ, विषय का जो धर्म है अनात्मा है विषय, ये घटपटादि है अनात्मा, क्यों, विषय होने से, दृश्य होने से, हो गया ना। इसलिए जो विषय है अनात्मा, उसका जो धर्म है वो जड़ता, अनित्यत्व, विकार, ये सब हो जाएगा अनात्मा का धर्म। उस धर्मों का भी है ना विषयीण है ना, तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्या, ये बता रहे, ठीक है। तो पहले तो बोल दिया आत्मा में, आत्मा में विषयों का धर्माध्यास नहीं होगा, है ना। अब कहते हैं कहाँ चला गया, हाँ आत्मा में, ठीक है, आत्मा में विषयों के धर्म का अध्यास नहीं होगा। अब बोलते हैं विषयी का, विषयी का मतलब आत्मा का है ना, आत्मा का तद विपरीणा विषयिणा तद्धर्माणां च, विषय विषय में अध्यासो मिथ्यायति भवितुम युक्त, आत्मा के धर्मों का हाँ पहले क्या बोल दिया था, विषयी में विषय के विषय का और उसके धर्म का, देखो पंक्ति में, देखो भाष्य में, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी, मैं के रूप से जो ज्ञान हो रहा है उसका जो हो गया आत्मा,
चिदात्मा, उस चिदात्मा में आत्मा में युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, यह करके जो ज्ञान हो रहा है हाँ, उसका विषय अनात्मा, उस अनात्मा का अध्यास आत्मा में नहीं होगा और अनात्मा के धर्मों का अध्यास भी आत्मा में नहीं होगा। उससे यहाँ पर उल्टा कर दीजिए तदुपरिणाम से, विषयिणा तद्धर्माणाम च, विषयी है आत्मा और तद्धर्माणाम, आत्मा का जो धर्म है चैतन्य आदि उसका भी कहाँ पर नहीं होगा, विषये मतलब अनात्मा में अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम, मतलब अध्यास नहीं हो सकता है, ये तात्पर्य हो गया। देखो परस्पर में आत्मा और अनात्मा का भी नहीं होगा अध्यास, और आत्मा और अनात्मा के धर्मों का भी परस्पर में अध्यास नहीं हो सकता है। तो अध्यास जब नहीं हो सकता है फिर विचार क्यों करते हो फिर अध्यास भाष्य का, विचार करना व्यर्थ है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहता है ये जो अध्यास भाष्य लिखे हैं शंकराचार्य, ये ग्रंथ के अंतर्भुक्त है ही नहीं, ये ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान ही नहीं है, ये एकदम बाहरी हो गया, ये तात्पर्य। अच्छा तो ये जो बोल दिया कि अध्यासो मिथ्या, मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है भैया, भामती का लिखते हैं मिथ्या शब्दो अपन्नव वचन, देखो भामती देख लो, नहीं मिलती है तो पूछ लीजिए, मिथ्या शब्दो अपन्नव वचन। मिथ्या शब्द के दो अर्थ मैंने पहले बताया था, राजू पूछा था मिथ्या शब्दो द्व्यर्थ लिख लो अभी, मिथ्या शब्दो द्व्यर्थ द्व्यर्थ, अपन्नव वचन अपन्नव वचन अनिर्वचनीय वचनश्च, अपन्नव वचन अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय वचनश्च, अनिर्वचनीय वचनश्च, वचन का अर्थ है वाचक। मिथ्या शब्द जो है एक तो अपन्नव का वाचक है, अपन्नव अपलाप तुच्छ, तुच्छ का वाचक होता है मिथ्या शब्द, दूसरा होता है अनिर्वचनीय वचन, अनिर्वचनीय का वाचक, मतलब दो अर्थ हो गया है ना, मिथ्या शब्द से दो अर्थ लेते हैं प्रसंग के अनुसार, ठीक है। कह दिया पहला अपन्नव मतलब अपलाप, मतलब मिथ्या अध्यास मिथ्या है, मतलब अध्यास नहीं हो सकता है, तो अध्यासो मिथ्या इति भवितुं युक्तम में जो मिथ्या शब्द है उसका अर्थ हो गया अपलाप, अध्यास नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एतद उक्तम भवति, हाँ बोलो बोलिए, अपलाप अपन्नव, अपन्नव तो ये मूल शब्द ही अपन्नव है, मूल नु नु धातु होता है, नु अपनयन है अप उपसर्ग है नु धातु से अपन्नव बन जाएगा, उसका अर्थ होता है अपलाप, ठीक है बढ़े आगे। एतत् उक्तम भवति भामति में देखो, इसके द्वारा ये कहा जाता है, इसके द्वारा ये कहा जाता है हाँ, अध्यासो भेदाग्रहण व्याप्त, ये बोलता है देखो अध्यास जो होता है भी भेदाग्रहण व्याप्त, बोलते हैं देखो अध्यास कहाँ पर होता है, अध्यास वहां पर होता है जहां पर दो पदार्थों में भेद का ज्ञान न हो, तो जैसे रज्जु और सर्प हैं, ये रज्जु अलग है ये सर्प अलग है, ऐसा भेद ज्ञान जब हो जाएगा
तब तो अध्यास नहीं होता है कि नहीं? फिर अध्यास कहां पर होगा? जहां पर भेद का ज्ञान ना हो, तो ये व्याप्ति बन जाएगी। देखो, यत्र यत्र धुमा तत्र तत्र बन्नी, तो इसमें क्या होता है? एक व्याप्य होता है, एक व्यापक होता है। एक व्याप्य होता है और एक व्यापक होता है। व्यापक बन्नी है और धूम होता है व्याप्य, व्याप्य हो जाएगा। ठीक है, जहां पर व्याप्य रहेगा वहां पर जरूर व्यापक रहेगा, जहां पर धुआं रहेगा वहां पर जरूर बन्नी रहेगी, बराबर है। और जो व्याप्य होता है उसको बोलते हैं व्याप्त, व्याप्त, व्याप्त कहो व्याप्य कहो, एक ही अर्थ हो गया, है ना? इसलिए बन्ही व्यापक है, बन्ही व्यापक से व्याप्त हो गया है, व्याप्य हो गया धूमा। तो जहां पर व्याप्य रहेगा वहां पर जरूर व्यापक रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जहां पर अध्यास होगा वहां पर भेद का अग्रहण, भेद का अज्ञान जरूर रहेगा। व्याप्ति क्या बन जाएगी? यत्र त्र अध्यास तत्र तत्र भेदाग्रह, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना? जहां पर अध्यास रहेगा वहां पर जरूर भेद का अज्ञान रहेगा, हो गया ना? अच्छा हाँ हाँ बोलिए जी। नहीं, ऐसा नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है ना, पूर्व पक्षी कह रहा है कि हाँ भाई, दोनों में विलक्षणता है, आत्मा और अनात्मा में विलक्षणता होने से अध्यास हो ही नहीं सकता है, बोल रहा है। ये स्वरूप अध्यास के बाद नहीं, कोई भी अध्यास नहीं होगा, पूर्व पक्षी कहना है। चाहे स्वरूप हो, चाहे संसर्ग हो, चाहे धर्मी अध्यास हो, चाहे धर्माध्यास हो, कोई भी अध्यास आत्मा और अनात्मा में हो ही नहीं सकता है, सर्वथा अध्यास का अपलाप कर रहा हो, है ना? ऐसा है, थोड़ा पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांत चलेगा आगे, देख लीजिए। अध्यासो भेदाग्रहण व्याप्त, हाँ, अध्यास जो होता है भेद का अज्ञान से व्याप्त होता है, मतलब जहां पर अध्यास रहेगा वहां पर दोनों पदार्थों का भेद का अज्ञान तो रहेगा। तद विरुद्धश्च यह अस्ति भेदग्रह, हाँ, तद विरुद्ध मतलब तद से लीजिए भेदाग्रह, भेदाग्रह का विरुद्ध क्या होगा? भेद ज्ञान, भेद ज्ञान। अरे भाई, जहां पर भूतल है मान लीजिए घट रह गया तो वहां पर घट का अभाव नहीं ना होगा, ये घट घट अभाव का विरुद्ध हो जाएगा, घट मतलब सामान्य घट। रक्त घट हो तो वहां पर तो पीला घट का अभाव मिल जाएगा लेकिन जहां पर कोई भी घट नहीं है, सामान्य घट का अभाव हो, है ना, तो वहां पर जो है ये क्या बोलते हैं, उल्टा बोल दिया। जैसे मान लीजिए एक होता है विशिष्ट घट का अभाव, है मान लीजिए जैसे वायु ले लो, वायु, वायु जैसे वायु में सामान्य रूप का अभाव होता है, वायु में सामान्य रूप का अभाव, है ना? कोई भी वहां पर रूप है ही नहीं, उसको कहें सामान्य रूप का अभाव, हो गया ना? अच्छा, लेकिन जहां पर रूप रह गया, एक भी रूप रह गया, जैसे मान लीजिए रक्त रक्त रूप रह गया पुष्प में, वहां पर रक्त का अभाव नहीं होगा, क्योंकि एक भी यहां पर रूप रह गया जहां पर, वहां पर सामान्य रूप का अभाव नहीं होता है ना? इसी प्रकार से आत्मा और अनात्मा में तो भेद ज्ञान है, आत्मा और अनात्मा में तो भेद ज्ञान है, तो भेद का अज्ञान क्यों रहेगा? ये तो भेद ज्ञान हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा, देखो, तद विरुद्धश्च यह अस्ति भेदाग्रह, दोनों में आत्मा और अनात्मा में भेद अग्रह का विरुद्ध होगा भेद ज्ञान, भेद के अज्ञान का विरुद्ध हो जाएगा भेद ज्ञान। जब भेद का ज्ञान है तो भेद के अज्ञान क्यों रहेगा?
सबको भेद ज्ञान तो है ही हो, ये बोल रहा है। इसलिए क्या हुआ, सह भेदाग्रह निवर्तयांश, इसलिए भेद का जो ज्ञान है दोनों में, आत्मा और अनात्मा में, उस आत्मा और अनात्मा में भेद अग्रह निवर्तयांश, भेद के अग्रहण का निवर्तन करेगा वो। अरे भैया भेद का ज्ञान हो रहा है तो भेद का अज्ञान क्यों रहेगा, इसलिए भेदक ज्ञान समल से भेदक ग्रह भेदाग्रह निवर्तयन, भेद के अग्रह, अग्रह का अर्थ अज्ञान, उस अज्ञान को निवर्तन करता हुआ तद व्याप्तम अध्यासम अपि निवर्तयति। हैं देखो, भेद अज्ञान से व्याप्त होता है अध्यास, क्योंकि जहां पर अध्यास रहेगा वहां पर जरूर भेद का अज्ञान रहेगा, और जहां पर भेद का अज्ञान नहीं है वहां पर अध्यास क्यों होगा। भेद का ज्ञान रह गया तो भेद का अज्ञान क्यों रहेगा, तो जहां पर भेद का अज्ञान नहीं है मतलब कारण नहीं है, कारण जब नहीं होगा तो उसका कार्य अध्यास क्यों होगा। इसलिए आत्मा और अनात्मा में भेद ज्ञान होने से भेद अज्ञान से होने वाला अध्यास नहीं होगा, ये बोल रहा है। देखो अच्छा, ये विचार हो गया, अध्यासो मिथ्यायति भवितुम युक्तम। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा कि मिथ्यायति भवितुम युक्तम, अध्यास नहीं होना चाहिए, युक्तम शब्द का अर्थ हुआ मिथ्यायति भवितुम युक्तम यद्यपि तथापि इति योजना, ऐसा अन्वय करना, अध्यास नहीं होना चाहिए फिर भी अध्यास हो रहा है, तो तथापि शब्द का अन्वय इस प्रकार हो जाएगा। अच्छा, इदम अत्र आकुतम, आकुतम शब्द का अर्थ होता है अभिप्राय, ये अभिप्राय है। देखो क्या बोलते हैं, भवेत एतम एवं, यदि अहमिति अनुभवे आत्मतत्त्वं प्रकाशेत। अब सिद्धांति प्रारंभ कर रहे हैं भैया, अब सिद्धांति क्या कहना चाहते हैं इसको ठीक ठीक आप बुद्धि में बैठाइए। सिद्धांति कह रहा है, अरे तुम्हारा कहना सही होता है ना, क्या बोलते हैं, देखो इदम अत्राकुतम भवेत एतत एवं, हाँ ये तुम्हारा कहना, ये तो मतलब तुम्हारा कहना एवं भवेत, तुम्हारा कहना ऐसा होता ठीक होता, यदि अहम इति अनुभवे, यदि अहम बोलते जो मैं बोलते हो, ये जो मैं का जो अनुभव हो रहा है इस अनुभव में आत्मतत्व प्रकाशेत, आत्मतत्व जो विशुद्ध आत्मतत्व, विशुद्ध आत्मतत्व का यदि अनुभव होता मैं के रूप से, तब तो तुम्हारा कहना सही होता है ना, कि अध्यास न हो पाता। लेकिन अहम जो कह रहे हो अविद्या अवस्था में, यहां पर अहम का विषय, मैं के रूप से अनुभव का विषय आत्म तत्व नहीं होता है। वो चिदाभास होता है, हैं जो शरीर आदि में जो चिदाभास भास रहा है उसी को तो मैं मान रहे हो तुम, इसलिए अविद्या अवस्था में जो अहम मनुष्य आदि बोलते हो वो अहम अनुभव का विषय शुद्ध आत्मा नहीं होता है, वो तो विशिष्ट चिदाभास होता है। ये बोल रहे, देखो न तो एतत अस्ते, मैं के अनुभव में शुद्ध आत्मा का भान नहीं होता है। कैसे भैया, तथा ही, अब सुनो ठीक से भाई, शुद्ध आत्मतत्व कौन है, शुद्ध आत्मतत्व तो वही है जिसके विषय में श्रुति है, स्मृति है, इतिहास है, पुराण है, ये सब कहती है। क्या कहती है, समस्त उपाधि अनवचिन्न अनंत आनंद चैतन्य एकरसम उदासीनम एकम अद्वितीयम आत्मतत्वम श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु गीयते। ऐ देखो, श्रुति में स्मृति है, गीता आदि स्मृति हो गए,
इतिहास है, इतिहास है, पुराण आदि अष्टादश पुराण अगर ले लो, इतिहास बोरा ले लो, ये सभी में आत्म तत्व का कथन किया जाता है। और आत्म तत्व का स्वरूप क्या है? देखो, समस्त उपाधि अनवच्छिन्न, समस्त उपाधि से जो अनवच्छिन्न हो, जहाँ पर किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, ना स्थूल शरीर, ना सूक्ष्म शरीर, ना कारण शरीर, ना अन्नवयादि कोष, ना कारण रूपी उपाधि, ना कार्य रूपी उपाधि, समस्त उपाधि से जो अनवच्छिन्न है, कौन है ऐसा? अनंत। श्रुति बोलते है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, जो अनंत है और आनंद स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप है और एक रस। एक रस कहने से इसमें किसी प्रकार के विशेषण आदि नहीं है, धर्म आदि नहीं है, एक रस, ऐसा जो आत्म तत्व है। और आगे बढ़ा दिया देखो, हाँ, उदासीनम, एक रसम उदासीनम, हाँ, उदासीन का मतलब निष्क्रिय, कुटस्थ निष्क्रिय स्वरूप को बोलते हैं उदासीनम। और एकम अद्वितीयम, एक द्वितीयम श्रुति बोलती है, ऐसा जो आत्म तत्व श्रुति आदि में कहा गया है ना, और श्रुति आदि में जो कहा गया है आत्म तत्व, उसका निराकरण कोई भी नहीं कर सकता है। जो अपुरुषीय वेदांत वाक्य से सिद्ध होता हो, इसको कोई भी कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसका निराकरण नहीं कर सकता है भाई। ये बात आगे कह रहा है देखो, न चेतानी उपक्रम उपसंहारो उपसंहार, ये देखो एतानी कहने से उपनिषद वाक्य, ये जो उपनिषद वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य, ये वाक्य अपने प्रतिपाद्य आत्म तत्व को निरूपण करते हैं। किसको लेकर के? उपक्रम परामर्श उपसंहार, उपक्रम उपसंहार एक हो गया, तात्पर्य ग्राहक लेकिन बोलते हैं ना, अब परामर्श कहने से अभ्यास, बार 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 बार, एक बार ज्ञान नहीं हुआ तो बार बार श्रुति उसको कथन करती है, बार बार परामर्श कह लेते अभ्यास, बार बार है। अब क्रिया संविहारेण, पुनः पुनः, क्रिया संयोग का अर्थ पुनः पुनः कथन को कहा जाएगा क्रिया संविहारेण। एद्रेक आत्म तत्व अवेदति, इस प्रकार आत्म तत्व को कहते हुए, कहते हुए कौन? वेदांत वाक्य। तत्प्राणी संते, शुद्ध जो आत्म तत्व है उसमें तात्पर्य रखने वाले वेदांत वाक्य है, ऐसे वेदांत वाक्य जो है उसको शक्यानि शक्रणापि उपचरितार्थानि कर्तुम, जो क्या बोलते हैं, शक्र बोलते हैं इंद्र, देवताओं का राजा हो गया शक्र, और इंद्र भी इसको यदि गौण बोलेगा, उपचरित अर्थ बोलेगा, अरे नहीं, ये अद्वैत वेदांत का तात्पर्य शुद्ध आत्मा में नहीं है, वो गौण गौण कथन कह दिया, ये सिंह माणक का बोल दिया, माणव को सिंह बोल दिया, इसी प्रकार जीव को अद्वैत आत्मा बोल दिया तो गौण हो गया, बोलते हैं ऐसा नहीं, इंद्र भी शक्र भी इसको उपचरितार्थानि, अद्वैत वेदांत का तात्पर्य गौण है, मुख्य नहीं है, गौण भी उसको करने में संभव नहीं है। अन्वय कैसे देखो, शक्रणापि इंद्रणापि उपचरितार्थानि, उपचरितार्थानि न च कर्तुम शक्यानि, ऐसा हमें करना, ये श्लोक, ये क्या बोल दिया, वाक्य में जो पहला पद है नच, नच का अन्वय इधर कर लो, शक्रणापि उपचरितार्थानि कर्तुम नच शक्यानि, ऐसा अन्वय करना। इंद्र भी ये कोशिश करेगा कि अद्वैत वेदांत का वाक्य मुख्य अर्थ में नहीं है, गौण में है, इंद्र भी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता है, आगे यहाँ पर लिखेंगे, अभ्यास ही भूयस्त, भूयस्त
त्वम अर्थस्य भवति। ये तो बार 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 कहा गया, पुनः पुनः जब कथन करते हैं तो वहां पर त्वमर्थस्य भूयस्तम, ये देखो वो अर्थस्य भूयस्तम भवति, बार बार जिस अर्थ को कथन करते हैं उस अर्थ में अद्वैत आत्म कथन में भूयस्त्व आता है, भूयस्त्व का दृढ़ता आ जाती है। अर्थस्य मतलब अद्वैत आत्मा से, अद्वैत आत्मना भूयस्तम भवति, भूयस्त्व आती है, दृढ़ता आती है, क्या करने पर, अभ्यास ही, उसी अद्वैत आत्मा का कथन बार 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 करते रहने से। यथा ओ दर्शनीया, ओहो दर्शनीय, ये वेदांत वाक्य बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बार बार सुनने से ऐसा लगता है, बहुत रुचि आती है। इसलिए जब थोड़ा थोड़ा तात्पर्य का ज्ञान होगा कि अद्वैत आत्मा में तात्पर्य है वेदांत वाक्य का, सुनने से बहुत रुचि आती है, बहुत सुंदर है वेदांत वाक्य। ये भी है ईश्वर का अनुग्रह होता है। ईश्वर का अनुग्रह होने पर वेदांत के तात्पर्य का थोड़ा सा ज्ञान होता है, रुचि होती है इससे, ये भी भगवान का अनुग्रह होता है। इसलिए कहा ना आचार्य सियाज ने, ईश्वर अनुग्रहाद ऐसा पुंसेत अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा द्वित्राणाम वगैरह, तो ईश्वर का अनुग्रह है। अच्छा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो आरती हो रही ना मंदिर में आज, इसलिए बंद कर दिया।